ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बात करेंगे। अभी आप लोग ने देखा होगा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, जैसा कि सभी लोग, भारत के लोग जितने भी रहने वाले हैं, सब लोग प्राउड मोमेंट की बात है। चंद्रयान 3 से, अब उसमें क्या है, उसमें एल्गोरिथम लगे, उसमें सेंसर वगैरह लगे, उसमें GPS वगैरह लगे, उसकी माध्यम से क्या है कि वहाँ पर सारे चीज़ों को मैं ट्रैक कर पाऊँगा। वहाँ पर मानव जीवन संभव है कि असंभव नहीं है, जैसा भी होगा उसके जरिए से इसरो के साइंटिस्ट ने ऐसा कहा। वो साउथ पोल पे जाकर उसको, मतलब वहाँ पे गया है, ठीक है। तो कल इसको लॉन्च किया गया, जाकर वहाँ पहुँचा अपने लूनर प्लेनेट पे, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। अब हम आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, व्हाट इज चार्ज, ठीक है। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज इज जो बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, चार्ज इज बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या, इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, निगेटिव होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, निगेटिव होती है। तो चार्ज क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। एंड प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। अब चार्ज के अकॉर्डिंग टू चार्ज को टू कैटेगरीज में बांटा गया है, टू कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड निगेटिव चार्ज। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड निगेटिव चार्ज एंड सेकेंड निगेटिव चार्ज, ठीक है। निगेटिव चार्ज क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको निगेटिव चार्ज बोलते हैं, जो प्रोटॉन होता है उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। तो निगेटिव चार्ज क्या होता है, बेसिकली जिसमें निगेटिव आयन हो, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना हो जाएगा, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो जो भी आवेश की मेजर होगा, ठीक है, तो आवेश को हम एज ए मेजर करते हैं, किसमें, कूलम में मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे हम, अगर कोई चीज़ हमारा लेंथ में है तो उसको मेजर किसमें करेंगे, मीटर में। अगर कोई चीज़ हमारा किलोग्राम में, इसको किस मेजर करेंगे, मास में है तो किस मेजर करेंगे, किलोग्राम में करेंगे, ठीक। उसी प्रकार इस चार्ज को मेजर करते हैं किसमें, कूलम में। किस मेजर करते हैं, कूलम में। तो यूनिट्स ऑफ अगर चार्ज, यूनिट्स ऑफ चार्ज क्या होता है, यूनिट्स ऑफ चार्ज कूलम। तो चार्ज दो टाइप्स हो गए, क्या, कौन कौन से, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज में क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज में प्रोटॉन आएंगे और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब बात करते हैं मैं इलेक्ट्रिक करंट, क्या बात करूंगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। जैसे हमारे, मेरा कोई वायर है, ठीक है, ये वायर है ए एंड बी, ये मेरा कोई वायर है, ठीक है। वायर कैसा होना चाहिए, वायर होना चाहिए मेटल का, कैसा होना चाहिए, मेटल की। मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, बेसिकली कंडक्टिविटी होनी चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए। कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, तो नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेंगे तो उसमें पॉसिबल ऑफ करेंट ज़्यादा रहेगा, तो पॉसिबल ऑफ करेंट ज़्यादा रहेगा तो उसमें मैं करेंट निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे बात आती है करेंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी करेंट। इलेक्ट्रिसिटी करेंट क्या होता है, बेसिकली इसे हम आई से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं, आई से। आई इज इक्वल टू होता है क्यू डिवाइड बाई टी, क्या होता है, क्यू डिवाइड बाई टी। तो इसके डिफरेंस कैसे बनाएंगे, इन अ वायर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, क्या, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे यूनिट्स ऑफ करंट की मान लेते हैं, तो यूनिट्स ऑफ करंट क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। एज ए फार्मूला क्या हो जाएगा, कूलम पर सेकेंड। तो कभी कभी क्वेश्चन कैसे आएगा, थोड़ा सा मैं वो देख लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्यू इक्वल टू क्या कर देता हूँ, आई इंटू टी, ये मेरा क्यू है, ये आई है, ये टी है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे राइज होगा, हमारा क्वेश्चन में आई और टी यानी करंट और टाइम दिया रहेगा, तो उस समय हम चार्ज निकाल लेंगे, ठीक है। कभी कभी अगर मुझे चार्ज और टाइम दिया है, तो मुझे आवेश यानी कि करंट पूछेगा, और मुझे करंट और
चार्ज दिया है तो क्या पूछेगा, टाइम पूछेगा, ठीक है। अब यूनिट्स ऑफ करंट होता है एम्पियर, यूनिट्स ऑफ करंट एम्पियर। एम्पियर साहब ने क्या कहा था कि हमारे नाम से आप यूनिट्स ऑफ करंट लिख दीजिए। अब यहाँ पे एक बात और आती है, इसकी एक यूनिट्स और होगी क्या, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू यूनिट्स ऑफ करंट डिवाइड बाय यूनिट्स ऑफ टाइम, ठीक है। अब यूनिट्स ऑफ चार्ज, यूनिट्स ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम्ब, एंड यूनिट्स ऑफ टाइम टी, तो इसकी एक यूनिट और हो जाएगी कूलम्ब पर सेकेंड, ठीक है, कूलम्ब पर सेकेंड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली वर्क डन बाय चार्ज, क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, आई थिंक इसे आप नोट कर लिए होंगे। पोटेंशियल डिफरेंस को मैं डिनोट करता हूँ वी से। अगर कोई, देखो इसकी एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या हो गई, इफ़ कोई चार्ज है, ठीक है, एक चार्ज यहाँ से हम लिए हैं और दूसरे पॉइंट तक मैं ले जा रहा हूँ, तो एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे तो जो भी मुझे वर्क डन, जो भी मुझे कार्य करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पहले पोटेंशियल की बात कर लेते हैं देन डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन बाई चार्ज, किसी चार्ज के कारण जो हम वर्क कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच वोल्टेज का डिफरेंस है, अगर एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच वोल्टेज का डिफरेंस है तो वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। कहने का मतलब ये है मेरा, जैसे यहाँ पे कोई दो पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है, ये समझो वी ए है और ये वी बी है, यहाँ पर जीरो वोल्ट है और यहाँ पे 5 वोल्ट है, क्या है 5 वोल्ट। अगर मैं वी ए बी निकालूँ, यानी कि इन दोनों पोटेंशियल के बीच डिफरेंस निकालूँ, तो वी ए माइनस वी बी आएगा, यानी कि 0 माइनस 5 यानी कि माइनस 5 वोल्ट, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, टू पॉइंट्स के बीच मैं डिफरेंस निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो वर्क डन बाई चार्ज, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट्स क्या होती है, वोल्ट होती है, एज ए फार्मूला जूल पर कूलम होती है, ठीक है। बस यही बात करते हैं और नेक्स्ट चीज़ें नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस एंड समझने के लिए, आपका तहे दिल से धन्यवाद।